एमएस पावर पॉइंट 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे शेप्स और स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करके उसे फॉर्मेट करना। आजकल पावर पॉइंट का उपयोग कई जगह होता है, जैसे स्कूल या कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते समय, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते समय इत्यादि। ऐसे में यदि आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आकर्षक हो तो प्रेजेंटेशन देखने में भी अच्छा लगता है और सामने वाले व्यक्ति पर उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए हम शेप्स और स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको शेप्स इंसर्ट करके उसे फॉर्मेट टैब के अंतर्गत इंसर्ट शेप्स और शेप स्टाइल्स ब्लॉक के ऑप्शंस की सहायता से कस्टमाइज करना बताया था। इस वीडियो की लिंक और ज्ञान यज्ञ द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, टैली इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको ड्राइंग टूल्स के फॉर्मेट टैब के अंतर्गत वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अरेंज और साइज ब्लॉक के ऑप्शंस के बारे में समझाएंगे, साथ ही स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना भी बताएंगे। यहाँ पर हमने स्लाइड में एक स्टार इंसर्ट करके रखा हुआ है। किसी भी शेप को कैसे इंसर्ट करते हैं ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब इस पर क्लिक करने पर फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट टैब के पहले दो ब्लॉक्स के बारे में आप इससे पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और टैब के नेक्स्ट ब्लॉक के ऑप्शंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है वर्ड आर्ट स्टाइल्स। इस ब्लॉक में दिखाई दे रहे ऑप्शंस की सहायता से आप शेप में लिखे हुए टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल, कलर और बॉर्डर दे सकते हैं। उसके लिए पहले हम इस टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेते हैं। इस ब्लॉक के पहले ऑप्शन में कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट स्टाइल्स दी हुई हैं। शेप में टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप इसमें से जिस भी स्टाइल पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट उसी स्टाइल का हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं स्लाइड में वो चेंजेस आ रहे हैं। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने पर आपको और भी स्टाइल्स मिल जाएंगी। आप चाहें तो यहां से भी कोई स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस स्टाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो उसी स्टाइल में चेंज हो गया है, और अब अगर आप कोई और टेक्स्ट लिखेंगे तो वो इसी स्टाइल में लिखा जाएगा। इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए पहले इस पर एक बार क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही ये मिनी टूल बार ओपन हो गया है। इसकी सहायता से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसका साइज कम करना है तो हम इसको कम कर सकते हैं, और अगर बढ़ाना है तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब हम वर्ड आर्ट स्टाइल्स ब्लॉक के अन्य जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है टेक्स्ट फिल। इसे क्लिक करने पर एक मेन्यू ओपन होगा। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये अलग अलग कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसकी सहायता से आप टेक्स्ट को अलग अलग कलर या इफेक्ट दे सकते हैं। इन सभी ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में पहले इस वीडियो में बता चुके हैं आपको। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है टेक्स्ट आउटलाइन। इसकी सहायता से आप टेक्स्ट की आउटलाइन को अलग अलग कलर या इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम माउस अलग अलग कलर पर ले जाएंगे आप स्लाइड पर देख सकते हैं टेक्स्ट की आउटलाइन का कलर चेंज होता जा रहा है। अब इस ब्लॉक में आखिरी ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट्स। इस पर क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन होगा। इसमें आपको अलग अलग तरह के इफेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल इत्यादि। इन सब इफेक्ट्स के सब मेन्यू हैं। जिस भी इफेक्ट पर हम जाते हैं आपको साइड में उसका सब मेन्यू नजर आ जाता है। ये जैसे ही हम शेडो पे गए तो ये देखिए यहाँ पर इसका सब मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू में से आप जिस भी शेडो ऑप्शन पर जाएंगे तो वो शेडो इफेक्ट टेक्स्ट में दिखाई देने लगेगा, और इसमें से अगर आपको कोई शेडो इफेक्ट चुनना हो तो उस पर क्लिक कर दें। इसी तरह से आप रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल ये सब चुन सकते हैं। इस मेन्यू में लास्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म। इसके सब मेन्यू में से यदि आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं
तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है वो उसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसमें से जो भी स्टाइल आपको सिलेक्ट करनी हो वो आप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको फॉर्मेट टैब के अन्य ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं, पर इन ऑप्शंस को समझने से पहले हम अपनी स्लाइड में एक दो शेप्स और इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि आगे के ये जो ऑप्शंस हैं वो हम अच्छे से समझ सकें। ये हमने यहाँ पर कुछ और शेप्स इंसर्ट कर लिए हैं। फॉर्मेट टैब में नेक्स्ट ब्लॉक है अरेंज। इस ब्लॉक के ऑप्शंस का उपयोग करके आप स्लाइड में इंसर्टेड शेप्स को व्यवस्थित क्रम में ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार शेप है वो अभी सन शेप और रेक्टेंगल शेप के पीछे है और हमें इसको आगे लाना है, तो उसके लिए पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यदि हम ब्रिंग फॉरवर्ड के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्टार जो है वो सन शेप के आगे आ गया है, पर अभी भी ये रेक्टेंगल शेप के पीछे है। यदि आप चाहते हैं कि ये सबसे आगे आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर हम ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस पर क्लिक करते ही स्टार शेप जो है वो बाकी सारे शेप से आगे आ गया है। इसी तरह से यदि हम सेंड बैकवर्ड के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे तो स्टार पहले केवल रेक्टेंगल शेप के पीछे जाएगा। ये देखिए जैसे ही हमने सेंड बैकवर्ड पर क्लिक किया स्टार शेप रेक्टेंगल के पीछे चला गया है, जबकि अभी भी वो सन शेप के आगे है। अगर आप चाहते हैं कि स्टार शेप सबसे पीछे चला जाए तो उसके लिए सेंड बैकवर्ड के ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम सेंड टू बैक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्टार शेप जो है वो सबसे पीछे चला गया है। अब चलिए हम इन शेप्स को सही से अरेंज करके और आगे के ऑप्शन समझ लेते हैं। ये देखिए हमने इन शेप्स को अरेंज कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन जो है सिलेक्शन पेन। इस पर क्लिक करने पर एक साइड पेन ओपन होगी। इसमें आपको स्लाइड में इंसर्टेड शेप्स की लिस्ट दिखाई देगी और हर शेप के नाम के आगे आपको एक आंख की तरह बना हुआ निशान दिखाई देगा। इसकी सहायता से आप किसी भी शेप को हाइड या शो कर सकते हैं। जैसे कि हमने सन शेप के सामने दिखाई दे रहे आंख वाले आइकन पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ से सन वाला जो शेप था वो हाइड हो गया है और यहाँ सन शेप के नाम के आगे जो पहले आंख वाला निशान था उसकी जगह पर एक डैश आ गया है। अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो सन शेप हमको स्लाइड में फिर से दिखाई देने लगेगा। अब हम अरेंज ब्लॉक के अन्य ऑप्शंस के बारे में आपको बता देते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है अलाइन ऑब्जेक्ट्स। इस ऑप्शन की सहायता से आप स्लाइड में इंसर्टेड शेप्स को स्लाइड में दाएं बाएं ऊपर या नीचे अलाइन कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार शेप पर क्लिक करके अलाइन ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अलाइन राइट पर क्लिक किया तो ये देखिए स्टार शेप की पोजीशन चेंज हो गई है। पहले ये इस तरफ लेफ्ट में था, अब ये राइट में आ गया है। इसी तरह से हम जिस भी शेप का अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके अलाइन ऑप्शन की सहायता से उस शेप का अलाइनमेंट बदल सकते हैं। मान लीजिए हमको सन शेप का अलाइनमेंट चेंज करना है तो इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको अलाइन सेंटर कर दिया। अब नीचे की बजाय हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो अलाइन टॉप कर दिया। अब हम इनकी पोजीशन वापस पहले जैसी कर देते हैं। अरेंज ब्लॉक में अगला ऑप्शन है ग्रुप। अभी आप यहां देख सकते हैं ये एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका उपयोग करने के पहले हम सभी शेप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर अभी एक ही शेप सिलेक्टेड है, अब हम सारे शेप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम
कंट्रोल की को प्रेस करके सारे शेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रुप ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एक और मेन्यू ओपन हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन है ग्रुप। इस पर क्लिक करने पर जितने भी सिलेक्टेड शेप्स हैं वो ग्रुप हो जाएंगे। अब ये जो तीनों शेप्स हैं इन सब का एक ग्रुप बन गया है, मतलब अब ये तीन अलग अलग शेप्स ना होकर एक ही शेप की तरह काम करेंगे। अगर हम इसको मूव करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि तीनों की तीनों शेप्स एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इन शेप्स को वापस से अलग कर दिया जाए तो ग्रुप के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर अनग्रुप पर क्लिक कर दें। ऐसा करने से ये वापस से तीनों अलग अलग शेप हो गए हैं। अभी देखिए इसमें से हम किसी भी एक शेप पर क्लिक करेंगे तो वो शेप सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये तीनों अलग अलग शेप हैं। अब हम चाहें तो इसको मूव कर सकते हैं, इसे मूव करना हो तो इसे मूव कर सकते हैं। इस तरह से हमें सिलेक्शन पेन की आवश्यकता नहीं है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं अरेंज ब्लॉक का आखिरी ऑप्शन जो है रोटेट। इस ऑप्शन के मेन्यू में दिखाई दे रहे ऑप्शन की सहायता से हम शेप्स को 90 डिग्री पर लेफ्ट या राइट रोटेट कर सकते हैं, या उन्हें वर्टिकली या हॉरिजेंटली भी रोटेट या फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ से हमने रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से हमने रोटेट राइट 90 डिग्री ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये देखिए ये स्क्वायर शेप जो है वो रोटेट हो गया है। अब हम इसे वापस लेफ्ट में 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। फॉर्मेट टैब में लास्ट ब्लॉक है साइज। इस ब्लॉक में दो ऑप्शंस हैं, शेप हाइट और शेप विड्थ। इन ऑप्शंस की सहायता से आप शेप की हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने शेप हाइट वाले बॉक्स में दिखाई दे रहे अप एरो से रेक्टेंगल की हाइट बढ़ा दी। इसी तरह से आप इन ऑप्शंस में दिखाई दे रहे अप और डाउन एरो से शेप्स की हाइट और विड्थ बढ़ा या घटा सकते हैं, या फिर आप किसी भी शेप की हाइट या विड्थ घटाने या बढ़ाने के लिए उस शेप पर क्लिक करके उसके बॉर्डर पर दिखाई दे रहे पॉइंट्स की सहायता से भी आप किसी भी शेप की हाइट या विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस तरह से उसके लिए आपको किसी भी पॉइंट पर क्लिक करके उसे ड्रैग करना होगा, अपनी आवश्यकता अनुसार आप उसे ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए शेप्स का उपयोग करके हमने जल चक्र यानी वाटर साइकिल बनाया है। आप भी पावर पॉइंट में शेप्स की सहायता से एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये तो हमने मैन्युअली शेप्स का उपयोग करके एक वाटर साइकिल बनाया, किंतु यदि आप चाहें तो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन द्वारा पहले से ही तैयार किए गए साइकिल्स या फ्लो चार्ट्स में से कोई भी आर्ट चुन सकते हैं। चलिए हम आपको स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट ऑप्शन की सहायता से हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल बना लेते हैं। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के एक एम्प्लॉई को एक प्रोजेक्ट दिया गया और उसे कहा गया कि प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले उस प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी या प्लानिंग एक साइकिल द्वारा दर्शाओ। तो उस साइकिल के लिए हम पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये इंसर्ट टैब में हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का जो मेन्यू है वो ओपन हो गया है। इसमें आपको कई तरह के स्मार्ट आर्ट मिलेंगे, जैसे कि लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की इत्यादि। जब हम साइकिल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कई सारे साइकिल पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। ये बेसिक साइकिल पैटर्न है। वैसे यहाँ पर कुछ और पैटर्न्स भी हैं। हमें जो साइकिल बनाना है वो रेडियल साइकिल की तरह होगा, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और अब ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ओके पर क्लिक करने पर वो साइकिल यहाँ पर आ गया है।
अब इसमें टेक्स्ट की जगह पर आपको जो भी टाइप करना हो वो आप टाइप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब प्रोजेक्ट के अनुसार हम बाकी जगह पर भी टेक्स्ट टाइप कर देंगे। ये देखिए हमने बाकी जगह पर भी टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब हम साइकिल और टेक्स्ट की थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जब भी हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट टैब आ जाता है। उसी तरह स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने पर भी फॉर्मेट टैब आ जाता है और साथ ही डिजाइन टैब भी आ जाता है। डिजाइन टैब में आपको स्मार्ट आर्ट के लिए अलग अलग तरह की डिजाइन के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप स्मार्ट आर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए चेंज कलर्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आप यहां से कोई भी कलर चुन सकते हैं। जैसे कि हमने ये कलर चेंज किया। स्मार्ट आर्ट स्टाइल से आप स्मार्ट आर्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम अलग अलग स्टाइल पर माउस ले जाएंगे स्लाइड में आपको चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। इस ड्रॉप डाउन एरो से आपको और भी कई सारी स्टाइल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। ये हमने इस स्टाइल को चुना, तो ये स्टाइल देखिए हमारे स्मार्ट आर्ट में सेट हो गई है। अब चलिए हम आपको कुछ और ऑप्शंस बता देते हैं। एड शेप से आप इसमें और भी ब्लॉक्स जोड़ सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर एक और सर्कल एड हो गया है। एड बुलेट्स की सहायता से आप स्मार्ट आर्ट के टेक्स्ट में बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन से आप आर्ट में टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने टेक्स्ट पेन पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक टेक्स्ट पेन ओपन हो गई है। इसमें पहले से ही इंसर्टेड जो सर्कल हैं उनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग और कंक्लूडिंग। अभी हमने जो नया सर्कल ये इंसर्ट किया है उसके लिए यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। ये हमने टाइप किया रिजल्ट। तो ये देखिए जैसे ही हमने इसको यहाँ टाइप किया वो यहाँ पर अभी हमने जो नया सर्कल ऐड किया था उसके अंदर टाइप होकर आ गया है। आगे ऑप्शन है प्रमोट और डिमोट। इन दोनों ऑप्शंस को समझने के लिए हम रिजल्ट वाले ब्लॉक में दो सब पॉइंट्स या बुलेट्स डाल देते हैं। उसके लिए हम ऐड बुलेट्स पर क्लिक करेंगे और यही टेक्स्ट पेन में हम वो बुलेट्स टाइप कर रहे हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। अब यहां पर आप देख सकते हैं रिजल्ट के अंदर ये दो बुलेट्स नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ सर्कल के अंदर भी आ गए हैं। अब इसमें अगर हम पार्ट टू ऑप्शन पर क्लिक करके डिमोट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पार्ट टू जो है वो डिमोट होकर के पार्ट वन का सब पॉइंट बन गया है। इसी तरह से यदि अब हम प्रमोट पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से रिजल्ट का ही एक सब ऑप्शन बन गया है। अब हम इस टेक्स्ट पेन को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूव अप और मूव डाउन ये दो ऑप्शंस हैं। इनकी सहायता से साइकिल के किसी भी सर्कल को ऊपर या नीचे खिसकाया जा सकता है। ये देखिए हमने रिजल्ट वाले सर्कल को सिलेक्ट करके मूव अप पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वो कंक्लूडिंग से पहले आ गया है। और अगर अब हम मूव डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आ गया है। राइट टू लेफ्ट ऑप्शन की सहायता से आप स्मार्ट आर्ट के लेआउट को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में दर्शा सकते हैं। ये हमने रिजल्ट वाले सर्कल को सिलेक्ट कर रखा है और अब अगर हम राइट टू लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो लेफ्ट वाले सर्कल्स थे वो राइट में आ गए हैं और जो राइट वाले सर्कल्स थे वो लेफ्ट में चले गए हैं। अब यदि आप स्मार्ट आर्ट पर की गई पूरी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो वो रीसेट ग्राफिक ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया
तो देखिए स्मार्ट आर्ट में से पूरी फॉर्मेटिंग हट गई है। एमएस पावरपॉइंट 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा शेप्स और स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करके उसे फॉर्मेट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें